बिग बॉस 14 के घर फिर बना दंगल और एक बार फिर से एक दूसरे में उलझ गए अर्शी खान और विकास गुप्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं नेटवर्क और आप सभी को बताऊंगा कि आज के एपिसोड में बिग बॉस में क्या क्या हुआ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बिग बॉस से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले आप लोगों को यही मिलेगी। तो आप सभी को बता दूं कि बिग बॉस 14 के घर में एक बार फिर हमें देखने को मिला ज़बरदस्त लड़ाई अर्शी खान और विकास गुप्ता के बीच में। आप सभी को बता दूं कि यह लड़ाई क्यों हुई। यहाँ पर दरअसल विकास गुप्ता का यह कहना था कि अर्शी खान जो है इस टास्क में, जो कि अभी नॉमिनेशन टास्क चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बन रही है क्योंकि अगर अर्शी खान की टीम नॉमिनेट होती है तो सबसे ज़्यादा चांस जो है अर्शी खान का ही है कि वो बिग बॉस 14 के घर से इविक्ट हो जाए, बाहर हो जाए। और यही बात जो है विकास गुप्ता अर्शी खान को समझाते हैं, लेकिन वहाँ पर अर्शी खान जो है उनको जवाब देते हुए ये कह देंगे कि ये रियलिटी शो है, ये आपका शो नहीं है। आपको कैसे पता चलता है कि किसको कितना वोट आ रहा है, कौन जाने वाला है, कौन बचने वाला है। आप वहाँ पर जो है अपना मास्टर माइंड मत चलाइए, अपना दिमाग मत चलाइए, जनता पर छोड़ दीजिए। आप कौन होते हैं कहने वाले कि मैं जा रहा हूँ, तुम जा रहा हो। तो वहाँ पर जो है विकास गुप्ता के साथ अर्शी खान की आज लड़ाई होते हुए हमें नज़र आएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं विकास गुप्ता का अपना एक थॉट ऑफ पॉइंट है, वो अपना एक विचार अर्शी खान को देती है, लेकिन उस पर जो है अर्शी खान रिएक्ट करते हुए उस विचार को सिरे से मना कर देती है। वहीं अगर हम बात करें तो इस पर रुबीना दिलेक और जसवीन वसीम हंसी करते हुए नज़र आएंगे, मजाक उड़ाते हुए नज़र आएंगे और कहेंगे बिग बॉस के कि इन बच्चों को जो है हमारे साथ क्यों रख दिया इस घर में। वहीं अगर हम बात करें आज की बिग बॉस के एपिसोड की, तो हमें जो अभी नॉमिनेशन टास्क चल रहा है जिसमें दो टीमों में पूरा घर बट गया है और मन्नू पंजाबी इस कार्य की संचालन कर रहे हैं क्योंकि वो कप्तान है। तो आप सभी को बता दूं कि जो रुबीना दिलेक की टीम है, टीम ए, वो जो है जीत जाती है और जिसके कारण से जो एजाज खान और अर्शी खान की टीम है वो पूरे नॉमिनेट हो जाएंगे इस हफ्ते बिग बॉस 14 के घर से बेघर होने के लिए। और आप सभी को बता दूं कि ये पहले से ही डिसाइड किया गया था कि जो रुबीना दिलेक है उसको टीम को जो है जिताना है क्योंकि उसमें जो है आप लोगों को पता होगा कश्मीरा शाह है और उन्होंने जो है एजाज खान और उनके टीम के साथ बात की थी, तभी ये डिसाइड हुआ था कि वो लोग जो है जानबूझकर हार जाएंगे ताकि कश्मीरा शाह सेफ हो जाए। और उसी प्रकार से गेम होता हुआ हमें नज़र भी आएगा जिसमें सभी लोग अपना प्रदर्शन तो करेंगे लेकिन जो कि पहले से ही फिक्स होता है वहाँ पर रुबीना दिलेक की टीम जीत जाती है। लेकिन वहाँ पर जो मास्टरमाइंड अभी अपना खूब दिमाग लगा रहे हैं मनु पंजाबी और एजाज खान, वहाँ से सबसे बड़ा गलती क्या होता है कि वहाँ पर उन लोगों का दिमाग सही दिशा में नहीं चलता है क्योंकि अगर सही दिशा में दिमाग वहाँ पर चलता तो क्या होता कि जो एजाज खान और अर्शी खान की टीम है वो उसको जिता देते, ताकि जब बतौर कप्तान मनु पंजाबी को अगर मानकर चलिए कि कोई पावर मिलता किसी को सेव करने का, तब वहाँ पर जो है वो कश्मीरा शाह को सेव कर देती, तब क्या होता कि जो एजाज खान अर्शी खान का टीम था वो भी सेव हो जाता और वहाँ पर कश्मीरा शाह भी सेव हो जाती। लेकिन इस बारे में वहाँ पर किसी ने नहीं सोचा और इस तरफ जो है प्लानिंग वहाँ पर नहीं हुई। लेकिन आप सभी को बता दूँ कि इस हफ्ते जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि किसी का एविक्शन नहीं होगा, इसीलिए किसी के लिए खतरे की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर दिमाग नहीं चल पाया मनु पंजाबी का और एजाज खान का, उसके कारण से हो सकता था कि उन लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा, तो आज भी टास्क जारी था नॉमिनेशन स्पेशल वाला, उसमें ज़बरदस्त दोनों तरफ के भिड़ंत हमें फिर से देखने को मिली। अगर हम बात करें परमोज की, तो जैसा कि परमोज में भी ऐसा ही दिखाया गया था। और आप सभी को बता दूँ कि जो राहुल महार्जन है वो हमें फिर से कॉमेडी करते हुए नज़र आए और दर्शकों के लिए बहुत ही मनोरंजन दायक कॉमेडी उन्होंने किया। और आप सभी को बता दूं कि वो जो है वहाँ पर जैस्मिन के साथ कॉमेडी कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि जब अब अली आएगा तो दुल्हा बन के ही आएगा, लेकिन वहाँ पर जो जैस्मिन थी वो कह रही थी नहीं, मुझे कंटेस्टेंट के रूप में चाहिए। तो वहाँ पर जो है कुछ फनी सा मोमेंट क्रिएट किया था राहुल महार्जन ने, जहाँ पर आप सभी को बता दूं कि बाद में कश्मीरा शाह भी शामिल हो गई थी। तो आज का जो एपिसोड था वो बहुत ही मिक्स था और कह सकते हैं कि बिग बॉस के टीआरपी के लिए बहुत ही शानदार शो था, जिसमें एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और सब कुछ हमें देखने को मिला जो कि दर्शक चाहते हैं। तो जो ये पूरा एपिसोड था वो बहुत ही शानदार था। आप लोग देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड और आप लोगों को इस एपिसोड में किसकी गलती नज़र आई, किसकी प्लान कमज़ोर नज़र आई, किसको बेवकूफ़ बनते हुए आप लोगों ने देखा, किसकी मास्टर प्लानिंग देखे होने में आप लोगों को मज़ा आया, आपको जो है किसका गेम पसंद आ रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।